दोस्तों आपण समस्तंकु आम चैनल क्रिएट व्यूज नाइडियो स्वागत तेबे टेम्परेचर ओडिसा रे बढ़िबा एवं स्कूल छुट्टी होबा एटा गोटे परंपरा रे परिणत हिसलाणी एवं एही परंपरा को नेकी निश्चित भाबरे आमे आज आलोचना करबा एवं आजरो बडो अपडेट आ आजरो टेम्परेचर सेरा भी बहुत क्रुशियल रहइबो आजरो आलोचना पाए तापर आपण कहि रखियो चाहिबी जदि आपण कोनोसी कोर्स प्रिपरेशन करचोंती ओवीएस टीजीटी या ओपीएससी एसएससी पीजीटी 399 कोर्स जॉइन करि परबे आपनकर रामनवमी पर्यंत निश्चित भाबरे आपण जोगाजोग करि परबे तो वर्तमान जो रही टेम्परेचर एंड वर्तमान सिचुएशन आपण देखि चोंती गतकाल ए पिक्चर आपण रही एटा अवश्य पुराना पिक्चर रही पुराना माने आपनकर 7-8 दिन आपनकर तवर पिक्चर ठीक अछि एटा आपण 7-8 दिन तवर पिक्चर कटक जिल्ला रे एटा होछि भद्रक जिल्ला रे पिक्चर गतकाल तो ये टेम्परेचर गत काली आपण देखिछन्ती 15-4 आवरेज टेम्परेचर जदि आमे कहिबा ताहले 41 डिग्री आरो 42 डिग्री टेम्परेचर थिला आवरेज टेम्परेचर तो ये टेम्परेचर रे सिचुएशन ए भलिया तो आगामी दिन जो टेम्परेचर रहिछि ताकु मु आपण देखि दव चाहिबे आजिर वर्तमान दिन टेम्परेचर आ वर्तमान समय टेम्परेचर भी लाइव आपण देखियो चाहिबे सेटु आमे देखिबा डिपार्टमेंट रे कोन रहिछि आपण निष्पत्ति एवं डिपार्टमेंट रे कोन चलछि आलोचना तो ये आप देखो 16-4-2024 अर्थात आज टेम्परेचर तो आज लाइव टेम्परेचर मुझे देखेबी वीडियो एंड रे ठीक अच्छे आप देखने तो आज टेम्परेचर हाईएस्ट 42-43 डिग्री कटक इविन कटक आप देखो 43 डिग्री टेम्परेचर रोचे आज दिन में एंड भुवनेश्वर 43 डिग्री रोचे आज दिन में एंड आपड़ जी का आसंता काल टेम्परेचर देखिए यहाँ 44 डिग्री को मुव करुच्च हाएस्ट टेम्परेचर 44 डिग्री मुव कर 17-4-2024 जब आप 18-4-2024 आड़ जी तेल 44 यहाँ 45 डिग्री मुव कर बलांगीर टिटलागड़ में कोस्टाल बेल्ट त्राही नाही कि वेस्टर्न बेल्ट त्राही नाही कोनो जगह नाही मैक्सिमम जगह 43-44-45 डिग्री टेम्परेचर टच करुच्छे तो जी आप देखिए 18-4-19-4 पर्यंत आपणकर टेम्परेचर यहाँ मुव कर 45 डिग्री टेम्परेचर तापर वर्तमान सुधा आउ कैलकुलेशन आसनी आसिले मुझे जनदेवि से टेम्परेचर भी 45 डिग्री प्लस रहा जदि वर्षा न हुए ठीक अच्छे तो आम जब वर्तमान देखा आजर चित्र आप देखिए भद्रक जिले में जेहेतु पिलाटी सनस्ट्रोक है एंड सिचुएसन आपंकर ओवर कंट्रोल है दुई छात्री मेडिकल भर्ती हेले से यहाँ को स्कूल टाइम को 9:30 जाए ह्रास कराई कि 9:30 टेम्परेचर भी आपन को पिला महंगा पड़पा से नहीं मुझक अपडेट देखेद चाहिए यहाँ भावतुनि जो शिक्षक मैंने छुट्टी व्याकुल कहीं शिक्षक मैंने एमती भी मे 5-6 जाए कम करती रोस्टर बेसीस स्कूल चले जदि पिला छुट्टी हो जाए भी शिक्षक मान एंगेज कराए यहाँ विभाग अधिकारी मानक ईर्षा तो यहाँ नुआ कथा कि नुहे किंतु गत वर्ष आम देखा यहाँ गत वर्षर चिठी जे खरा छुट्टी आपणकर 20 तारीख रु ठीक अच्छे 16 पर मंत्री कहते निष्पत्ति 20 तारीख रु होता खरा छुट्टी गत वर्ष रही 15-16 आड़क भी टेम्परेचर यह भाला कि टेम्परेचर से ना मुझे देखेली पूर्व वर्ष टेम्परेचर कैलकुलेशन पूर्व वीडियो रे आपण देखिथिले 41 डिग्री 42 डिग्री यह रोला एथर 45 डिग्री मुव कर खरा छुट्टी 20 तारीख दिन डिक्लेयर होता है यहाँ आप देखिपारे गत वर्ष रही चिठी गत वर्ष चिठी अनुसार आपर 20 तारीख रू आपर खरा छुट्टी बोथ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड एसटी एंड एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता यहाँ 20 तारीख आप देखते सीएम डिक्लेयर करते कि वर्तमान सीएम तो डिक्लेयर करें वर्तमान एसआरसी डिक्लेयर करेंगे अदरवाइज आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट डिक्लेयर करेंगे तो निश्चित भाव में आज टेम्परेचर करेन्ट टेम्परेचर आम देखने सहित आप मतामत आप पोषण करेंगे जे वास्तव में छुट्टी हार आवश्यकता अच्छा ना वर्तमान बा स्कूल टाइमिंग आपणकर बहुत जगह कथा हो छुट्टी हो जाए बहुत जगह कथा हो स्कूल टाइमिंग 6-9 करन घंटा तो यही भितर निश्चित भाव में आम विभाग निष्पत्ति को अपेक्षा करपत्ति 20 तारीख भितर ही आसो कहीं 20 तारीख गोटे परंपरार परिणत होदि आम देखा 2022 भी आपणकर डिक्लेयर होता आपणकर एप्रिल 21 तारीख रू डिक्लेयर होता एंड 2021 मसीह को कोविड चलता 2021 कोविड चलता तो निश्चित भाव में गोटे परंपरा आम कहीपर यू 20 तारीख 21 तारीख छुट्टी हवा एवं आज दिन टेम्परेचर आप देखिए जदि ये रही आपणकर सकाळ 8:30 टेम्परेचर 8:30 जो रही टेम्परेचर मुझे देखा ये 8:30 जो टेम्परेचर थी ये टेम्परेचर आप देखापर आप भुवनेश्वर 32.6 अर्थात 33 डिग्री जदि आम भुवनेश्वर आज भी सकाळ 10:30 स्कूल छुट्टी हो
ତ ଯଦି ଆମେ 10ଟାକୁ ବି କମେଇଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, 10ଟାକୁ ବି ଯଦି ସ୍କୁଲ କମେଇଦେବା, କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କେତେଟା ଜିଲ୍ଲାରେ 10ଟାରେ ଛୁଟି ହେଉଛି, 10ଟାକୁ କମେଇଦେବା, ଏ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆପଣଙ୍କର 37ରୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଭ୍ କରିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ 9ଟାରେ ଛୁଟି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକିଏ ଆମେ ତ୍ରାହି ପାଇପାରିବା ମୋ ମତରେ। ତ ଏ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 36 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିବ, 35ରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିବ, ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇ ହେଇ ବିଲୋ 40 ଥିବ, ବିଲୋ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳ 8:30 ସମୟର ଟେମ୍ପରେଚର୍, 11:30 ସମୟ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉ, ଦିନ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 8:30 ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା 10ଟା ସମୟରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଆଜିର ଟେମ୍ପରେଚର୍। ତ ବହୁତ ସମୟ କହନ୍ତି ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଆଜି କମ୍ ନାହିଁ, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଅବଶ୍ୟ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାନ୍ଦବାଲି ଦେଖିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ, ଗତକାଲି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। ଆଣ୍ଡ ଗୋପାଳପୁର ଦେଖିବେ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ କଟକ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି, 34.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି ତାହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବି ରହିବ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆପଣଙ୍କର, କେନ୍ଦୁଝର ବି ରହିବ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ପୁରୀ ବି ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ଅଛି, କମ୍ କମ୍ ନାହିଁ, ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଏଷ୍ଟ କଟକ ଅଛି, କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପରେଚର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଯେତିକି ଅଛି ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 10:30 ଆଦୌ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଆଇଦର ଆପଣ ସକାଳ 6ରୁ 9 କ୍ଲାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଛୁଟି ଡିକ୍ଲାର୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, କାରଣ ଏ ଛୁଟିକୁ ଏ ବା 3-4 ଦିନ ପାଇଁ ଟେମ୍ପରାରୀ ଛୁଟି କରନ୍ତୁ, ଯେ ତାପରେ ଆପଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପୋଷଣ କରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ 20 ତାରିଖରୁ ଛୁଟି ହେବା ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଉଚିତ ନା ଟେମ୍ପରାରୀ ବେସିସ୍ରେ 3-4 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି କରାଯିବା ଉଚିତ, ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଟାଇମିଂ 6ରୁ 9 କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏଇ 3ଟି ସର୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭିତରୁ ଯାହା ତ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାର ହେବ, ଆମେ ସେଟା ୱେଟ୍ କରିଛେ, ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛେ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବେ, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ରେ, ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।